क्या जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो तो क्या आप भी ऐसे फिलर वर्ड्स का यूज करते हो? वेल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ऐसी चीजें हैं जो आपके इंप्रेशन को, आपकी पर्सनैलिटी को और आपकी बातों का जो दम है वो खत्म कर देती हैं। मतलब अगर आप भी इस तरह की कुछ चीजें का यूज करते हैं जब आप बोलते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं उसका सोल्यूशन देने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। सुनो अभी सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन है कि जब भी आप किसी से बातचीत करते हैं और आप भी यूज करते हैं इस तरह से, तो आपको सिंपल क्या करना है, मैं काम कर सकता हूं। देखो अब मैं रुक गया, अब इस रुकने को हम बोलते हैं पोज। नाउ यू हैव टू टेक पोजेस। कैसे लेने हैं वो बताता हूं। देखो मैं बात कर रहा हूं, अब मेरे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक मैं क्या कर सकता हूं, मैं बोलते बोलते ये कर सकता हूं, और दूसरा मैं क्या कर सकता हूं, दूसरा मैं बोलते बोलते पोज ले सकता हूं, ये हूं या हां ना करने की बजाय। कैसे? ऐसे। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, अब मैं यहां पर एक काम कर सकता था, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, हूं नहीं करना है, अब मैं आपको एक बात बताता हूं। एक बार क्या हुआ, अब यहां पर मैं कर सकता था पोज, टेक poses। जब भी जहां पर भी आपको, देखो ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप बोलते हैं और आप जहां पर भी हाँ है इस तरह की कुछ चीजों का यूज करते हैं, तो वहां पर उसको वहां पर रुक जाओ और रुक कर पोज ले लो। पोज ज्यादा लंबा ना हो, ध्यान रखना इस बात का, कम से कम 3 से 4 सेकंड आप रुक सकते हो, बट इससे ज्यादा ना हो, वरना ये सामने वाले को हंसी दिलवा सकता है, राइट? तो आप पोज लेना शुरू कर दो। जहां पर भी आप हूं हां है कुछ इस तरह के फिलर वर्ड्स का यूज करते हो, देन स्टार्ट टेकिंग पोजेस ओवर देयर। डोंट डू इस तरह से, यह आपके इंप्रेशन को, आपकी पर्सनैलिटी को खराब कर देता है। सो टेक पोजेस। वेल, अगर ये वीडियो में आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है, तो मेरे को अभी इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जाओ और बता दो हैशटैग क्लियर के साथ। हैशटैग क्लियर के साथ बिल्कुल क्लियरली तरीके से लिख दो हैशटैग क्लियर। हैशटैग क्लियर से क्या होगा कि जब आप हैशटैग क्लियर के साथ लिखेंगे, देन आई वुड गेट अ मैसेज कि हाँ जी आपको, आप इससे बात कर रहा हूं मैं, आपको ये मैसेज बिल्कुल क्लियर हो गया।